डोनबास का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला यूक्रेनी शहर अवदिवका साल 2014 से ही रूस के लिए एक ऐसा अभेद किला बना हुआ था जिस पर रूस अभी तक कब्जा नहीं कर पाया था, और यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना बार बार अवदिवका पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसे नाकामयाबी ही मिली, क्योंकि पूरा अवदिवका यूक्रेनी सेना के लिए एक ढाल बना हुआ था और यूक्रेनी सैनिकों ने इसकी किलेबंदी इस तरह से की थी जिससे रूसी फौज इसके भीतर घुस नहीं पा रही थी। लेकिन लंबी लड़ाई के बाद 17 फरवरी 2024 को रूसी सेना ने अवदिवका पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, और कब्जे से एक दिन पहले ही यूक्रेनी सैनिक अवदिवका का मैदान छोड़कर भाग निकले। लेकिन अब अवदिवका को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जिस दिन अवदिवका पर रूसी सेना ने कब्जा किया उस दौरान यूक्रेनी सैनिकों में काफी भगदड़ मची थी, और इस भगदड़ के दौरान करीब 1000 यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने बंदी बना लिया था, और अवदिवका से सुरक्षित निकले सैनिकों में यूक्रेनी सेना ने इन सैनिकों की गिनती ही नहीं की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि यूक्रेनी सैनिकों को पकड़ने के लिए रूसी सेना ने एक नई रणनीति बनाई थी जो पूरी तरह से रूसी फौज के पक्ष में गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में जो खुलासा किया है उससे यूक्रेनी सेना की टॉप लीडरशिप पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अखबार का कहना है कि सेना ने इस विषय की गंभीरता को कम तर किया है और असल सैनिकों की संख्या जिन्हें रूस ने पकड़ा है उन्हें कम करके दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ अवदिवका में यूक्रेनी सेना के कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर टार्नेस्की ने टेलीग्राम पर इसको लेकर एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन का अवदिवका से निकलना योजना के तहत था, लेकिन ऑपरेशन के आखिरी चरण में रूसी सेना के दबाव में कुछ यूक्रेनी सैनिक बंदी बनाए गए हैं। हालांकि टार्नेस्की के प्रवक्ता दिमित्रो लिखोवी ने उन सभी खबरों को खारिज कर दिया है जिसमें अवदिवका की लड़ाई के दौरान हजारों सैनिकों को बंदी बनाए जाने का दावा किया है। हालांकि दिमित्रो लिखोवी का कहना है कि अवदिवका में लड़ाई के दौरान कुछ सैनिकों को बंदी बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना के एक अन्य अधिकारी का दावा है कि अवदिवका में सिर्फ 6 यूक्रेनी सैनिकों को बंदी बनाया गया है जो तीसरी अलग असॉल्ट ब्रिगेड का हिस्सा थे। वहीं अवदिवका से निकलने को लेकर कई यूक्रेनी सैनिक और अमेरिकी अधिकारियों ने जेलेंस्की पर ही ठीकरा फोड़ा है। उनका कहना है कि अवदिवका से निकलने के दौरान भारी अव्यवस्था थी और रक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ढह गई थी जिसकी वजह से रूसी सेना यूक्रेनी फौज पर हावी होती गई। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अवदिवका से निकलने की सटीक और जरूरी योजना के अभाव की वजह से भगदड़ जैसे हालात रहे, यहां तक कि खुद यूक्रेनी सैनिक इसके लिए तैयार नहीं थे, और जिस रफ्तार से रूसी सेना ने अवदिवका पर पूरी ताकत से हमला किया उसका अंदाजा भी नहीं लगाया गया था। वहीं दूसरी तरफ कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अवदिवका से निकलने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई थी, साथ ही इस दौरान सेना के भीतर अधिकारियों में बातचीत में भ्रम पैदा हुआ और रूसी फौज ने यूक्रेनी सेना को पीछे हटने के लिए सिर्फ एक ही सड़क छोड़ी थी जो पहले से ही जर्जर हो गई थी, और इन सभी कारणों की वजह से अवदिवका में अफरा तफरी मची जिसमें कई सैनिकों की मौत हुई और कई सैनिक बंदी बना लिए गए।